स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं अपने ट्रैक्टर का आज कल्टीवेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाइड्रोलिक फिल्टर लगवाना है और साफ़ करवाना है। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहें। इधर है हाइड्रोलिक, यह ठीक से काम नहीं कर रहा, नहीं उठता है। तो दोस्तों, अभी मिस्त्री आने वाला है और आप सबको दिखाते हैं किस तरह से बनता है। दोस्तों, मिस्त्री जी भी आ गए और फिल्टर खोल रहे हैं। यही फिल्टर आई थिंक जाम हो गया है, इसीलिए ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। और आगे भी एक फिल्टर है। तो दोस्तों, मैंने दोनों फिल्टर नए लाया हुआ है, तो उसे अभी चेंज करेगा। और मिस्त्री जी फिल्टर को खोल रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रैक्टर मेरा लगभग 9-10 साल हो गया है, पुराना हो गया है। ये फर्स्ट टाइम चेंज हो रहा है। और हाइड्रोलिक ऑयल भी दोस्तों ख़राब हो गया है। मिस्त्री जी का कहना है कि इसे ऑयल को पूरा चेंज करना होगा। और ये फिल्टर भी फर्स्ट टाइम चेंज हो रहा है। और फिल्टर खोलने के बाद अच्छे से अभी मिस्त्री जी साफ सफाई कर रहे हैं। ये हाइड्रोलिक फिल्टर ना, फिल्टर को खोलने के बाद अच्छे से फिल्टर के अंदर एक फिल्टर है, उसे अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है। यह है, इसे अच्छे से साफ सफाई करके नए वाला में लगा देगा। यह आप सब देख सकते हैं, कचरा जमा हुआ है और सीवेल भी खराब हो चुका है। दोस्तों, इधर अच्छे से साफ सफाई कर रहे हैं मिस्त्री जी। और ये देखिए दोस्तों, नया फिल्टर और रबड़ भी नया है। इसे भी अच्छी तरह से फिट करेंगे। दोस्तों, मेरा ब्लॉग अधिकतर खेतीबाड़ी से ही रिलेटेड रहता है। तो जो भी मेरे अभी तक के सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और चैनल में जो नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है, जा हटा। मेरे चैनल में खेती बाड़ी से रिलेटेड ही ब्लॉग अधिकतर मिलेगा। ये नया फिल्टर भी लगाएंगे मिस्त्री जी। दोस्तों, ये हाइड्रोलिक का दो फिल्टर लगता है। अभी एक ये फिल्टर लगने के बाद दूसरा भी फिर लगेगा आगे है। अच्छी तरह से नट को भी टाइट कर रहे हैं मिस्त्री जी।
और दोस्तों पीछे वाला फिल्टर तो लग चुका है, और नट को अच्छी तरह से कस रहे हैं ताकि ऑयल लीकेज ना रहे। यह है दोस्तों आगे वाला फिल्टर, इसे अभी मिस्त्री जी खोल रहे हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं ऑयल एक तरह से ख़राब ही हो चुका है, तो इसे मैं 15-20 दिन बाद चेंज करूँगा। अभी फ़िलहाल काम चलाओ, और ये नया फिल्टर भी लग चुका है आगे वाला। अच्छे से टाइट कर दिए हैं, और ये कुछ बचा हुआ सिवैल उसे भी डाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं मिस्त्री जी। कल्टीवेटर काम करता है कि नहीं ठीक से, और दोस्तों